हाय एवरीवन, तो आपके साथ आज मैं टॉपर बनने के कुछ मूल मंत्र शेयर कर रहा हूँ। तो अगर टॉपर बनना है तो ये फॉलो करना है। सबसे पहले टेस्टिंग्स जैसे भी हो जरूर देनी हो। टेस्टिंग जैसे देनी है कि ये आपका फाइनल टेस्ट है, उसी तरह से तैयारी करनी है। कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना, ये प्रॉमिस आपने अपने से लेना होगा। तो ये पहला स्टेप है। सेकेंड, ऑब्सेशन करना तो चाहते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, एफकैट हो, कुछ भी हो, लेकिन करना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अपना जुनून नहीं बनाएंगे, ऑब्सेशन नहीं बनाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। सो मेक इट योर ऑब्सेशन। प्लानिंग, हर दिन की प्लान करो, हर घंटे का प्लान करो। सोचो सुबह उठ के कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है, कितना पार्ट कवर अप करना है, और कितना पार्ट में कल कवर अप करूंगा, कितना पार्ट में एक हफ्ते में कवर करूंगा, और कितना पार्ट में एक महीने में कवर अप करूंगा। तो इस प्लानिंग के साथ आप चलोगे तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट को कवर अप कर पाओगे। देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सुना है ना? तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए काम आसान होता जाएगा। तो मोर द प्रैक्टिस मोर एफिशिएंट यू विल बी। देन इम्पॉर्टेंट, ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाइए। ये बेकार का जंक फूड, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह से दूर रहिए, घर का हेल्दी खाना खाइए। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, ये इसको एक अपना संन्यास ले लीजिए कि हमने कुछ और बाहर की गंदी चीज़ें नहीं खानी है। ईट हेल्दी, अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोएंगे, अच्छा उठेंगे, अच्छा सोचेंगे, और डेफिनेटली अपने दिमाग काम की तरफ फोकस रहेंगे। एंड रिविजन, प्रोमिस योर सेल्फ कि जो भी पढ़ाया गया है, जितना भी पीछे पढ़ लिया गया है, उसको रिवाइज करेंगे। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उसको रिवाइज करेंगे और ऑफ कोर्स अपने कोर्स पे आकलन करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप यू विल बी गोइंग दिस। जय हिंद।